मैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ, जैसे उबर हो गई और भी दो तीन कंपनियाँ हैं जो लाहौर में काम कर रही हैं, मैं उनके साथ पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। मैं मोस्टली जो है वो उबर के साथ काम करता हूँ। तो उबर जो है उसमें हमें परसेंटेज देता है। फॉर एग्जांपल जो लास्ट ईयर था उसमें कोरोना पेंडेमिक्स की वजह से उसने जो है ऊपर बोनसेस भी देता था, उसमें परसेंटेज ये होती है कि वो 25 से 30% जो है वो हमसे चार्ज कर रहा होता है, क्योंकि उसका कहना ये है कि उसने हमारे साथ अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर शेयर किया हुआ है जिसके बिना पर वो हमसे चार्ज लेता है। इसमें कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता। हमने पिछले दिनों मैंने एक सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया था जिसमें कि मुझे उन्होंने एक्सपीरियंस मुझसे मांगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो भी ड्राइविंग से रिलेटेड जॉब थी। तो मैंने उबर से कॉन्टैक्ट किया कि मुझे इससे जो है एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया जी कि हमारे पास एक्सपीरियंस लेटर, हम किसी को भी इशू नहीं करते। करीम वाले को या इनड्राइव वाले को या एयरलिफ्ट वाले को एज अ कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे हायर किया जाता है, ना कि उसको एज अ एम्प्लॉय हायर किया जाता है। जब आप उसको कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे हायर करेंगे तो उसके जो अपने वर्कर्स के जो राइट्स होते हैं वो उससे महरूम हो जाता है। ना सिर्फ महरूम हो जाता है लेकिन साथ साथ ही उनको बहुत ही प्रिकारियस वर्किंग कंडीशन का भी सामना होता है। मैं आपको ताज़ा मिसाल दूं कि रिसेंटली इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ जिसमें बाइकिया का एक्सीडेंट हुआ। उस पर वो एक कस्टमर को उठा के जा रहे थे, यूनिवर्सिटी का नौजवान स्टूडेंट था। ट्रक लगी है, वहाँ पे जो पैसेंजर था लड़का नौजवान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वो फोत हो गया। ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हुआ लेकिन उसके लिए कोई बाइकिया ने जाके कोई कंपनसेशन नहीं दी, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट या पाकिस्तानी लॉस के उस एम्बिट में नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की एम्प्लॉयमेंट है उसको किस तरीके से लेबर लॉस के एम्बिट में लाया जाए। मेरे दोस्तों के साथ कई बार ऐसे स्नैचिंग भी हुई है, गाड़ियां भी छिन गई। पिछले दिनों आपने सुना होगा कराची में करीम कैप्टन्स को गाड़ी ले जाने के लिए मार दिया गया, उसने इनकार किया है। तो उसमें कंपनी हमारे साथ कोई कंपनसेट नहीं करती। हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए कोई प्रॉपरली रेगुलेशंस अभी तक हुकूमत की जानिब से नहीं बनाई गई। यही तमाम चैलेंजेस उबर के तमाम ड्राइवर्स जो थे उनको थी यूके में। तो यूके की कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इनको वर्कर तस्लीम किया जाएगा, उनको मिनिमम वेज हासिल होगी और मिनिमम वेज भी उन पर्टिकुलर घंटों के हिसाब से कि अगर जिस घंटे से वो ड्राइव राइड शुरू होती है तो वो फी घंटे के हिसाब से 17 पाउंड के करीब उनकी पर आवर मिनिमम वेज भी दे पाई गई। ना सिर्फ ये लेकिन उनको सिक लीव जो है एक ऊबर ड्राइवर के लिए वो भी एक मुतारफ़ करवाई गई, पेरेंटल लीव भी मुतारफ़ करवाई गई है। इससे सिर्फ यूके में 70,000 ऊबर ड्राइवर्स को रिसेंटली रिलीफ मिला है। फूडपांडा कंपनी में एज ए राइडर जॉब करता हूँ, मुझे 3 साल हो गए हैं। सैलरी हमारी नहीं है, हमारा पर ऑर्डर का हिसाब है। इसमें अपनी मर्जी से शिफ्ट उठाते हैं, हम जितनी देर मर्जी कर सकते हैं, 6 आवर कर लें, 8 आवर कर लें, 12 आवर कर लें। इसमें अपॉइंटमेंट लेटर कोई भी नहीं मिलता, कंपनी कोई भी नहीं हेल्प करती, ना इंश्योरेंस देती है, कुछ भी नहीं है। बस कह देते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं है। हमारी जॉब इधर पक्की नहीं है। हमें एज ए रेडर काम कर रहे हैं फूडपांडा में, 1.5 वो कम मिलता है जाने का, पेट्रोल जिस तरह फ्यूल का रेट है, कस्टमर को जाने के पैसे वो कम मिलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने तो पिछले साल ये बताया कि 83% जो वर्कर्स के जो हाउस होल्ड हैं वो $2 से कम पे रोजाना पे वो जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो 17,500 रुपये मिनिमम वेज थी वो 83% लोगों को नहीं मिल रही थी। जिस तरह हमारी मईशत इस वक्त मुनज़म है उसमें खाम मखा का कॉम्पिटिशन जो है वो होता है और आखिर में उस सारा बोझ जो है वो वर्कर्स की वेजेस के ऊपर आता है कि मुनाफा आपका जब ही रहेगा जब वर्कर्स की वेजेस कम से कम। तो ये चीज़ें हैं और वर्कर्स की हालत ऑर्गेनाइजेशन की इस वक्त ये है कि 1% से ज़्यादा वर्कर यूनियनों में मुनज़म नहीं, तो उनकी ताकत नहीं है कि वो अब जो हुकूक तस्लीम शुदा हैं उन पर भी अमल दरामद करा सकें। मुझे हो गया 7 to 6 months हो गए इधर काम करते हुए। अब कब सुबह आती हैं और कब जाती हैं? मेरी टाइमिंग 12 to 10 है, मतलब कि सुबह 12 में आती हूँ और 8 जाती हूँ। मुझे कोई नहीं मिला अपॉइंटमेंट लेटर, कोई भी इशू नहीं किया उन्होंने, जस्ट सैलरी बेस है और बस यही है। मेरा कोई सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बना। मैं तकरीबन 9 ईयर से ये काम कर रही हूँ और डिफरेंट जगह पे किया है मैंने।
मैं यहाँ पे सुबह 10:30-11 बजे आती हूँ और तकरीबन 9:30-10 बजे तक रात को चलता है माशाल्लाह। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, मैं रेफरेंस से आई थी, मेरा कार्ड कोई नहीं बना हुआ सोशल सिक्योरिटी का। मिलनी तो चाहिए फैसिलिटीज़, लेकिन डिपेंड करता है कि जो बंदा चला रहा है उसको इतनी इनकम भी आ रही है कि वो आगे सपोर्ट करे या ना करे, जगह के हवाले से कि जिस जगह पे कॉलर हो उस हिसाब से उसका रेट्स वगैरह और हर चीज़ होती है। लोगों के पास रास्ता होना चाहिए कि अगर उनके ये बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे तो वो कहीं कंप्लेंट करें और उन लोगों के खिलाफ एक्शन हो। दूसरा होता है कि अगर मालिकान खुद अपनी इंटरेस्ट को देखते हुए कि वर्कर्स जो हैं उनको उनके बुनियादी हकूक मिलें तो उससे इदारों की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इजाफा होता है, उनके मुनाफे में इजाफा होता है। हमारे यहाँ जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत बुरी हैं और हुकूमत की जानब से या रियासत की जानब से कोई वर्कर्स राइट्स को या डिसेंट वर्क को इंश्योर कराना कोई प्रायोरिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए। रियासत की जानब से कभी भी कोई इस तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं रहा टूवर्ड्स ट्रेड यूनियंस, जिसकी वजह से वो रियासत ने अपना ट्रेड यूनियन को पनपने के लिए या उनको फ्लरिश होने के लिए कोई इस तरह का माहौल नहीं क्रिएट किया गया। एक ग्रैंड इंक्लूसिव डायलॉग की ज़रूरत है, जो रियासती इदारे हैं मतलब कि जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके और जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के जो इदारे हैं उनके दरमियान। दूसरा ये कि किस तरीके से जो लेबर डिपार्टमेंट हैं वफाक में और चारों सूबों में वो इस तरह की प्रोविज़न बनाएं, एक तरह का कानून साजी करें कि जहाँ पे ये जो ऑनलाइन ऐप्स पे काम करने वाले जो मजदूर हैं वर्कर्स हैं उनको यूनियन साजी का हक हासिल हो। और फिर तीसरा ये कि उनके हकूक और उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक जामे अंदाज में पॉलिसी तश्कील दी जाए।